ही रहना है, दम भर की भी फुर्सत नहीं मिलती। इस पर पहाड़ मुस्कुराया, यह तुम सोचती हो, मैं तो यहाँ खड़े खड़े थक गया हूँ। रोजाना बस वही पेड़, वही आसमान नजर आता है। कई बार जी में आता है कि काश अगर मैं भी चल फिर सकता, भाग सकता, तो तुम्हारी तरह नित नए जंगलों, पेड़ों, गांव की सैर करता, प्यासे खेतों को पानी पिलाता, मनुष्यों को जीवन देकर उनकी आंख का तारा बनता। नदी बीच में ही बोल उठी, कमाल है भाई, कितने आराम में हो तुम, फिर भी ऐसा सोचते हो। इस पर पहाड़ ने बड़ी नम्रता से कहा, नहीं बहन, तुम्हारी तो पूजा की जानी चाहिए। तुम दूसरों के लिए बहती हो, सबको इतना कुछ देकर भी जो तुम्हारे पास बचता है वह सब भी तुम सागर को अर्पित कर देती हो। यह सुनकर नदी ने पहाड़ के पांव छुए और दुगने जोश से भर कर बोली, एकदम ठीक कह रहे हो भाई, मेरे जीवन का सच्चा लक्ष्य है दूसरों को जीवन प्रदान करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर कल कल की आवाज के साथ नदी अब चौगुने वेग से बह निकली। नदी के जोश को देखकर स्थिर खड़ा पहाड़ भी मंद मंद मुस्कुरा उठा।